फिर अपने दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, देखिए हाफ ईयरली एग्जाम का जो टेस्ट बी है, टेस्ट नंबर पहले वन था, ए था और टेस्ट बी है, और जो क्लास सेवन्थ और एट्थ के लिए कॉमन टेस्ट है, तो दोनों क्लासों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें खाली स्थान भरना है, जो शब्द दिए हैं इनसे ही पांच को खाली स्थान भरना है। कैसे भरेंगे? देखिए, सी आर गोज गो इज गोइंग और 50, ये पांच शब्द, छह शब्द है, इनमें से इन पांच खाली स्थानों को अपने को भरना है। अब कौन सा खाली स्थान किस में आएगा आप बता सकते हैं, आपने भर लिया होगा और कल ही मैंने आपको टेस्ट भेज दिया था, आज तक आपने भर लिया होगा, अगर नहीं भरा तो एक बार भर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। देखिए, द बेनियन ट्री इज ओल्ड, बेनियन ट्री एक बरगद का पेड़ कितने वर्ष पुराना था, ओल्ड एंड पुराना था, तो इसमें आएगा 50 ईयर्स ओल्ड, कितने 50 ईयर्स, 50 वर्ष पुराना था, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एफ टी वाई, 50 ईयर्स ओल्ड, बेनियन ट्री कितने वर्ष पुराना था, 50 वर्ष पुराना था। वी टू उज्जैन, वी यहाँ पे बहुवचन शब्द है, तो इसमें गो आएगा, वी गो टू उज्जैन, वी गोज नहीं आएगा, वी गो टू उज्जैन, गोज एक वचन में लगता है, ये बहुवचन इसलिए वी गो टू उज्जैन। फिर दे, इसमें क्या है, दे माई फ्रेंड्स, तो दे में क्या आएगा, आर, दे आर माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं। आई एम टू स्कूल, अब आई एम लगा यहाँ पे गोइंग आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, आई एम गोइंग टू स्कूल। इज माई सिस्टर, सिस्टर महिला है, तो महिला में क्या आएगा, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर बताया, आपको मिल जाते पांच नंबर, कितने नंबर मिलते हैं, पांच, अगर सही सभी सही है तो आपको मिलते हैं पांच नंबर। अगला प्रश्न आता आपके लिए, देखिए ये भी पांच नंबर का है, देखिए इसमें फाइंड द ओड वर्ड्स, विषम शब्दों को पहचानिए, जो चार शब्द दे रखे इसमें कोई एक अलग है तो उसको पहचानिए, क्या विशेषता उसकी। देखिए, काउ एंड गाय होता है, हॉर्स एंड घोड़ा, डियर एंड हिरन, बॉय एंड लड़का, तो ये तीनों पशु हुए और ये बॉय एंड लड़का एक पुरुष है, इसलिए ये अलग है ना। अगला है रिवर नदी ओकेन और झील होती है, और ट्री एंड वृक्ष होता है, लेक एंड झील होती है, समुद्र होता है, तो ट्रीज, इसमें तीनों में पानी होता है और ट्रीज एंड वृक्ष ये अलग होता है, इसमें पेड़ है, ये पेड़ के अंदर आता है। अगला है एप्पल एंड सेपल होता है, मैंगो एंड आम होता है, और नाइपन चाकू होता है, पपे एंड पपीता होता है, तो इसमें तीनों फल है और ये चाकू है, इसलिए ये अलग है। अगला पेन, इन्हें पेन लिखने का, भूख एन किताब, मिल्कन दूध, और बेगन थैला, तो दोस्तों पेन बुक और बेग ये तीनों स्कूल की सामग्री है, और मिल्कन दूध इसमें अलग चीज है। इसी तरह इसमें क्या है, लायन एंड शेर, मंकी एंड बंदर, ऑक्स एंड बैल, बियर एंड भालू, तो दोस्तों तीन जानवर ऐसे जंगल में रहते हैं, ये लेकिन बैल जंगल में नहीं रहता है, तो ये एक अलग शब्द है। इस तरह से अगर आपने पांचों सही किए तो आपको मिलते हैं पांच नंबर और मिल जाते हैं, है ना। तो पांच नंबर आपके यहाँ सही होते हैं, पांच यहाँ पे सही होते हैं, आप अपने गिन लीजिए कितने नंबर का होता है, पहले टेस्ट आपको 50 नंबर का है, कितने नंबर का, 50 का है, वह आपने गिन ले कितने सही होते हैं। अगला साइलेंट वर्ड, साइलेंट वर्ड होता है जो जहां पे यहाँ पे लगाना अपनों को, है ना, यहाँ पे साइलेंट वर्ड ऐसा होता है जिसका उच्चारण नहीं होता है, जिसका उच्चारण नहीं होता है, ये 10 नंबर के शब्द है, 10 नंबर के, आपने कितने सही किए, 10 अगर सही है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आवर, तो इसको यहाँ पे एच आएगा, क्या आएगा, एच ओ यू आर, अगर आपने एच भरा है तो बिल्कुल राइट आंसर। डब्ल्यू ए, तो यहाँ पे एल, वाक, इसको बोलेंगे वाक, क्या बोलेंगे इसको, वाक, वाक, इसमें एल का उच्चारण नहीं हो रहा। काप, इसको क्या बोलेंगे अपन, काप, तो एल का उच्चारण नहीं हो रहा, है ना, इस तरह से इसमें साइलेंट वर्ड अपन बताना है। इसको बोलेंगे शुड, क्या बोलेंगे इसको, शुड बोलेंगे, तो इसमें एल साइलेंट है। इसको कैच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैच, इसमें टी साइलेंट है। ऑफन, ओ एफ टी, इसमें टी साइलेंट है। इसमें साइन, एस आई जी, इसमें जी साइलेंट है। हाफ, एच
एल इसमें साइलेंट है, अगर आपने ये भरा तो बिल्कुल सही भरा है। और मिलान कीजिए, रांग डब्ल्यू आर ओ एन जी रांग गलत, इसमें रांग का उच्चारण हो रहा है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं हो रहा। न्यू इसमें के एन ई डब्ल्यू, नाइप और के इसमें साइलेंट है, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट तो इसमें एच साइलेंट है, एच ओ एन एस टी, नी इसके अंदर के साइलेंट है। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि अगर ये आपने बिल्कुल सही सही भरा तो आपका उच्चारण बिल्कुल सही है। लिसन एल आई एस टी, इसमें टी आएगा, लिसन टी का उच्चारण नहीं हो रहा। फ्रिज एफ आर आई डी आएगा इसमें, और वेनसडे डब्ल्यू ई डी एन एस डी वाई, तो इसमें ये साइलेंट वर्ड इस तरह से। अगर आपने सभी सही भरे तो 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब आप मिलान कर लीजिए आपने कितने सही भरे। अगला है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर आ गए। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हमें ताजी हवा कहां से मिलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो ताजी हवा कहां से मिलती है, हमको पेड़ से मिलती है। तो यहां से वी से शुरू करेंगे अपन। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहां पे वी गेट फ्रेश एयर, एयर एंड हवा, हमें ताजी हवा कहां से मिलती है, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्री, द ट्री, हमें ताजी हवा पेड़ से मिलती है, ट्रीज, ट्रीज भी पेड़ों से मिलती है, हमें ताजी हवा कहां से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ये आपके 20 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के, 20 नंबर के, दो दो नंबर का हर क्वेश्चन है, हर प्रश्न आपके दो दो नंबर का। अगर ये आपने इतना लिखा तो दो नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है, ये द पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म होता है दोस्तों सेकंड फॉर्म, ये है फर्स्ट फॉर्म है और आपको देना सेकंड फॉर्म, इसके एक और होती थर्ड फॉर्म, तो आपको थर्ड नहीं देना, केवल फर्स्ट सेकंड फॉर्म देना है। जैसे मूव का मूव्ड एम ओ वी ई डी, ऐसे अगर आपने लिखा तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। कुक कुक्ड, जो मूव ने मुड़ा मुड़ता है और मूव्ड ने मुड़ गया, ऐसे कुक बनाता है, कुक्ड ने बनाया, यू काम पूरा हो गया अभी अभी, ऐसे के ई डी कुक्ड। प्ले खेलता है, खेला एल ए वाई ई डी प्लेड। इसी तरह क्लीन सी एल ई ए एन और क्लिंड ई डी, ई डी लग जाएगा पीछे, क्या लग जाएगा ई डी, तो आपको सेकंड थर्ड फॉर्म भी यही होता है, अगर आपको थर्ड फॉर्म पूछे तो भी यही होता है। अगर ये पूरे पूरे सही लिखे तो आपको दो दो नंबर एक एक मिलते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके, देखिए अगला प्रश्न आता है आपके, आपने हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट होते हैं, ग्रह ग्रह कितने होते हैं। तो अब हमने आपको पढ़ा दिया था पहले कि ग्रह होते हैं दोस्तों सोलर सिस्टम में सौरमंडल, सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है सौरमंडल, तो सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं दोस्तों, नौ ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, नौ ग्रह होते हैं सौरमंडल में, कितने ग्रह होते हैं दोस्तों, नौ ग्रह होते हैं, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, नौ ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, नौ ग्रह होते हैं। हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट्स होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी की जगह क्या लिखे, नाइन, एन आई एन ई, नाइन प्लेनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में नौ ग्रह होते हैं, पर नौ ग्रह की जगह भी कम हो गया इसलिए एट ही रह गया, ई आई जी एस टी, आठ ग्रह रह गए, एक ग्रह कम हो गया, पहले नौ थे अब एक ग्रह इसमें कम हो गया, एक ग्रह यहां पे कम हो गया। अब कौन कौन से आप जान लेते, सबसे पहले मरकरी आएगी, मरकरी एम ई आर सी यू आर वाई मरकरी, दूसरे नंबर का आएगा वीनस वी ई एन यू एस, वीनस यानी बुध शुक्र, फिर पृथ्वी आएगा अर्थ ई ए आर टी एच अर्थ पृथ्वी, फिर चौथे मंगल मार्स, एस मार्स मंगल,
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और पांचवे बृहस्पति यानी जुपिटर, JUPITER जुपिटर और बृहस्पति है ना, जुपिटर फिर सैटर्न SATURN है ना, बृहस्पति शनि, इसका नाम क्या है शनि, फिर सातवा अरुण यूरेनस और आठ है नेपच्यून, NEP नेपच्यून। अब आपको सभी के नाम हिंदी में लिख देता हूं। देखिए आठ ग्रह होते हैं, मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र है ना, बुध शुक्र, अर्थ होता है पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति और बृहस्पति शनि, सैटर्न होता शनि, यूरेनस अरुण और वरुण, वो लास्ट था यम। तो यम अपने अब समझो, यम अपने यहां पे भी अभी यहां पे ग्रह नहीं है, यम यहां पे नहीं है, है ना, कितने ग्रह है आठ ग्रह है। तो इस तरह आप सभी ग्रह की बारे में जान गए होंगे। अब आपसे प्रश्न वो पूछे जाते हैं, देखो विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट होता सबसे बड़ा, बिगेस्ट का मतलब क्या होगा सबसे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा कौन सा, जुपिटर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका, जुपिटर JUPITER जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट, जुपिटर है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। फिर विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी, तो सबसे छोटा आएगा मरकरी, ERCURY मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ALLEST स्मॉलेस्ट प्लेनेट, PLANET प्लेनेट। मरकरी और बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। इस तरह वो भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लेनेट कौन सा है, फर्स्ट प्लेनेट पूछे तो फर्स्ट प्लेनेट ये मरकरी आएगी पहला ग्रह है ना, वो अंतिम वाला प्लेनेट आप कैसे बताएंगे, आखिरी वाला कौन सा है, नेपच्यून है ना, इस तरह से आप बता सकते हैं। हॉट प्लेनेट गर्म ग्रह वेनस है, शुक्र है ना, बोर मॉर्निंग प्लेनेट अगर मॉर्निंग प्लेनेट अगर पूछे तो बोर का अगर तारा पूछे तो शुक्र आएगा, वेनस आएगा। इवनिंग प्लेनेट भी यही आएगा, सिस्टर ऑफ पृथ्वी का जुड़ा बहन, तो भी शुक्र ही आएगा। तो इस तरह से ग्रह के बारे में क्वेश्चन थे, अगर पूरे सही करते हो तो आपको 20 नंबर मिलेगा, कितने नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगर पूरे सही करते हो आपको टोटल नंबर 20 नंबर मिलेगा। गिव द प्लूरल फॉर बहुवचन, आपने बना दिया होगा और बहुवचन 10 नंबर के आते हैं, तो ये आपने बड़ी अच्छी आसानी से बना दिया होगा, नहीं बना तो देख लो एक बार और। जैसे पीछे वाई लगा है, पहले वाई से पहले ओ है इसलिए एस लगेगा, TOYS टॉयस। इसी तरह इसमें लीप है तो ए फटेगा तो क्या लगेगा, VES, तो LEAVES लीव्स। फिर मेन का बहुवचन MEN हो जाएगा। इसी तरह शिप का बहुवचन शिप ही रहेगा, फिश का बहुवचन फिश ही रहेगा और फुट का बहुवचन फिट हो जाएगा, KEYS किस हो जाएगा। आर्मी का बहुवचन MIES आर्मीस हो जाएगा, वाई हट जाएगा, IES OXEN ऑक्शन हो जाएगा और बॉक्स में ES लग जाएगा,
यहाँ ए फटेगा तो के एन आई वी एस नहीं हो जाएगा, और माउस का हो जाएगा माइस, माउस का बहुवचन क्या हो जाएगा माइस हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से थे आपका इंग्लिश का टेस्ट, तो ये पूरा हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।